प्रसिद्ध रोकड़े ज्वेलर्स द्वारा हर बार की तरह इस बार भी गुड़ी पाड़वा का त्योहार बड़े ही अनोखे तरीके से मनाते हुए महिलाओं के लिए विविध कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसका लाभ महिलाओं द्वारा भी काफी उत्साह के साथ उठाया गया। इसके साथ ही महिला दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित लकी ड्रॉ के विजेता को आज के शुभ मुहूर्त पर आज उपहार के रूप में नथनी दी गई। तो आइए डालते हैं इस खास कार्यक्रम पर एक नज़र। ये लकी ड्रॉ के बारे में तो मैं बाद में बताती हूँ, सबसे पहले तो गुड़ी पाड़वा की नए हिंदू वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ पूरे रोकड़े परिवार की तरफ से। अब जैसा कि माना जाता है ये शुभ मुहूर्तों में से एक 3.5 मुहूर्त वाला एक शुभ मुहूर्त है, जिसमें सोना खरीदना बहुत ही शुभ माना जाता है। इसलिए मैं पूरे नागपुरकर वासियों और पूरे विदर्भ वासियों से यही विनती करूंगी कि आज के दिन 3.5 मुहूर्तों का जो शुभ मुहूर्त है उसमें आप सोना ज़रूर खरीदिए, और सोना खरीदने के साथ साथ जो शुभ मुहूर्त का मतलब अपन जो इंतज़ार करते हैं वो आज का दिन है, आप ज़रूर आइए रोकड़े ज्वेलर्स। आप सभी को रोकड़े ज्वेलर्स की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा एक छोटा सा प्रोग्राम था, उसमें हम लोगों ने मतलब गिफ्ट के तौर पे सोने की नथ रखी हुई थी। तो सोने की नथ ऐसा बोला जाता है कि जो 3.5 मुहूर्त है उसमें से नथ हमने उस दिन ना देते हुए मैंने सोचा कि भाई आज के दिन वो शुभ मुहूर्त में सोने की नथ दें, तो हमने आज का दिन चुना है। तो मैम उसके बारे में बताएंगी उनको कैसे लग रहा है। हमें तो बहुत अच्छा लगा आज उनको हमने नथ दिया है, तो ये मैम हमारे सामने हैं, वो आपको बताएंगे कि उनको कैसा लगा अंदर से। तसं तो मला खूप खुशी झाली आज, म्हणजे ही सोच मला खूप आवडली रोकडे ज्वेलर्सतर्फे की आज म्हणजे या शुभमुहूर्तावर आपण प्रत्येकजण महिला तयारीत असतो की सोनं 1 ग्राम का होईना पण आपण खरेदी करायचंच आजच्या मुहूर्तावर। आणि मला ही सोन्याची नथ मिळाली आणि खरंच म्हणजे लक्ष्मी मिळाली हे समजून मला खूप खुशी झालेली आहे। आणि महिला दिनाच्या पर्वावर हे कूपन निघालं, परंतु आज या मुहूर्तावर नथ दिली त्याच्यामुळे मला अजूनच अप्रतिम आश्चर्य आणि खुशी वाटत आहे। चैत्र की सोनेरी सुबह, नए सपनों के नए तरंग, नई शुरुआत, नया विश्वास, नए साल की यही तो सच्ची शुरुआत। और यही सच्ची शुरुआत जो है रोकड़े ज्वेलर्स ने भी की है आज गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर। और यह एक अच्छा जो हमेशा की तरह रोकड़े ज्वेलर्स त्योहारों को मनाता है, उसी तरह से गुड़ी पाड़वा भी एक ख़ास तौर पर मना रहे हैं। हमारे साथ यहाँ महिलाएँ हैं, बहुत ही सुंदर सज धज के यहाँ सभी महिलाएँ दिख रही है। क्या बताओगे, रोकड़े ज्वेलर्स में आप तो हमेशा आते हो, लेकिन आज क्या खास है? आज नया वर्ष का सबको शुभकामनाएं बोलते हैं। आज रोकड़े ज्वेलर्स वाले ने हम सबको बुलाया है एकदम सज धज के, और मैम ने सोने का नथ जीता है, तो हम सोच रहे हैं कि हर कोई ऐसे ही जीते और हर कोई ऐसे ही यहाँ से जुड़े रहे रोकड़े ज्वेलर्स के साथ। और हमारा एक ग्रुप है JCI कलर्स, हम सब मिलकर आज सज धज के सब लोग आए हैं। ये हमारे प्रेजिडेंट मैम है, ये आपको आप सभी को गुड़ी पाड़वा की बहुत बहुत बधाई, नववर्ष नए साल का बहुत बहुत मुबारक हो। मैं जैसी नेहा मिश्रा, JCI नागपुर कलर्स की इस साल की प्रेसिडेंट हूँ, और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि रोकड़े मेरा फर्स्ट टाइम है यहाँ आना, मैं पहले नहीं आई थी, पर अभी मेरा कंटिन्यू रहेगा कि यहाँ पे मैं कोशिश करूँगी कि आते रहूँ। बहुत अच्छा लगा, इन्होंने हमको बहुत सपोर्ट किया, इतना अच्छा वेन्यू दिया, और अभी बहुत सारे हमारे पास गेम है तो हम सब बहुत एक्साइटेड है गेम के लिए। थैंक यू। और भी महिलाएं हमारे साथ हैं, उनसे जानेंगे हम कि वो क्या कहना चाहते हैं आज के दिन के उपलक्ष्य पर। सर्वप्रथम थैंक यू, सर्वप्रथम सगळ्यांना गुढी पाडव्याच्या खूप खूप शुभेच्छा। आणि रोकडे ज्वेलर्सनी खरंच खूप छान कार्यक्रम ऑर्गनाईज केलेला आहे, तसं तर रोकडे ज्वेलर्सचे सगळेच प्रोग्राम खूप छान होतात, पण गुढी पाडव्याला आज सर्व स्त्रिया खूप छान तयार होऊन आलेल्या आहेत आणि खूप छान इव्हेंट आहे। और भी लेडीज यहाँ पे है, बहुत सुंदर सज धज के आई है। गुड़ी पाड़वा का जो मुहूर्त है शुभ मुहूर्त कहा जाता है, 3.5 पर्व में से एक ये होता है मुहूर्त। क्या बताओगे मैम, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो, क्या बताओगे? मैं यही बताऊंगी आज गुड़ी पाड़वा का हार्दिक शुभेच्छा सभी को। और गहना तो हर एक लेडी यानी स्त्री का चाहता रहता है, यानी उनको गहने के अलावा सौंदर्य अधूरा रहता है, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट रहता है।
सोने की या चांदी की, लेकिन गहना पहने बिना स्त्री का सौंदर्य नहीं खिलता है, तो वो जो ज़रूरी है। आज यहाँ पे हम सब मिले हैं तो ये बहुत खुशी की बात है। हम सब मिलके तैयारी के साथ आए हैं, रोकड़े ज्वेलर्स की तरफ से हमको बुलाया गया, तो उनको भी थैंक्स बोलती हूँ और सभी को। देखिए यहाँ जो पारंपरिक महाराष्ट्रीयन लुक होता है, उस लुक में भी हमें लेडीज़ दिखाई दे रहे हैं बहुत सारे। क्या बताओगे, आज जो है हमेशा ही रोकड़े ज्वेलर्स कुछ खास करता है हर त्यौहार को लेके, आज आप इतने सुंदर बंठन के आए हो रोकड़े ज्वेलर्स में, क्या बताओ? मैं यहाँ फर्स्ट टाइम आई हूँ रोकड़े ज्वेलर्स में, बट मुझे यहाँ बहुत अच्छा लगा आके सभी लोगों से मिलकर, और मैं बस आप सभी को हैप्पी गुड़ी पाड़वा कहना चाहूँगी, बस थैंक यू। तो हम हरदम देखते हैं कि रोकड़े ज्वेलर्स जो शहर का सुप्रसिद्ध ज्वेलर्स है, और यहाँ हर त्यौहार को बड़े ही उत्साह के साथ, बड़े ही भावनाओं के साथ मनाया जाता है, और हर बार हर त्यौहार पर अलग अलग थीम रहती है और अलग अलग खेल खेले जाते हैं, और उसी श्रृंखला में गुड़ी पाड़वा के मुहूर्त पर भी एक अनोखा कार्यक्रम आयोजित कर यहाँ महिलाओं द्वारा अनेक खेल खेले गए। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहड़ के साथ मैं क्षितिज देशमुख, BCN News नागपुर।